तो आपने AWM स्नाइपर राइफल का नाम तो सुना ही होगा, जो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और बेस्ट स्नाइपर राइफल है। या आपने अगर पबजी या फिर फ्री फायर गेम खेला होगा तो आप इस स्नाइपर के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे AWM स्नाइपर से लेकर कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हो, जैसे इसका प्राइस, इसकी रेंज और इसका वेट, या फिर कौन कौन से देश AWM स्नाइपर को इस्तेमाल करते हैं, और जानेंगे आखिर AWM स्नाइपर जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है ये काम कैसे करती है। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, AWM एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है, यानी एक बार में AWM सिर्फ एक ही शॉट शूट कर सकती है और दूसरा शॉट लेने के लिए AWM को दोबारा लोड करना पड़ता है। दोस्तों, AWM स्नाइपर राइफल की फुल फॉर्म है आर्सिटिक वॉरफेयर मैग्नम, जिसको एक ब्रिटिश कंपनी एक्चुरी इंटरनेशनल बनाती है। दोस्तों, AWM को पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर राइफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक डी आइसिंग फीचर आता है, जिस वजह से AWM -40 डिग्री सेल्सियस में भी ऑपरेशन कर सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं AWM स्नाइपर राइफल की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों, AWM के अंदर दो तरह की बुलेट डलती हैं, पहली 0.300 वेंचेस्टर मैग्नम और दूसरी 0.338 लेक्वा मैग्नम। दोस्तों, वेंचेस्टर मैग्नम लेक्वा मैग्नम के मुकाबले इससे थोड़ी सी कम पावरफुल होती है, जहां पर वेंचेस्टर मैग्नम की रेंज 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक होती है, वहीं लेक्वा मैग्नम की रेंज 1.5 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में AWM की कीमत $8,000 से लेकर $8,500 तक होती है, जो भारतीय मुद्रा में 6,40,000 रुपये के बराबर है। और दुनिया की बहुत से देशों की आर्मी AWM स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि USA, रशिया, पाकिस्तान और ब्रिटेन। हालांकि भारत AWM स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल नहीं करता। चलिए दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आखिर ये जान ही लेते हैं आखिर AWM स्नाइपर राइफल काम कैसे करती है। दोस्तों, AWM स्नाइपर राइफल 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है, लेकिन इसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत छोटा होता है। दोस्तों, ये जानने से पहले कि AWM काम कैसे करती है, ये जानना जरूरी है कि AWM के अंदर कैसी मैगजीन डलती है। दोस्तों, AWM के अंदर डी अटैचेबल बॉक्स मैगजीन डलती है, जिसके अंदर एक बार में 7 राउंड को लोड किया जा सकता है। दोस्तों, ये मैगजीन इस तरह से बनाई जाती है कि इसके अंदर डली हुई ब्लड सिर्फ ऊपर की तरफ से ही निकाली जा सकती है। दोस्तों, ये है स्ट्राइकर, जिसमें आगे की तरफ एक आयरन रॉड लगी होती है, और ये है स्प्रिंग स्टॉपर। दोस्तों, जब AWM को लोड किया जाता है तो ये स्ट्राइकर पीछे की तरफ खींचा जाता है, और जब ये स्ट्राइकर पीछे की तरफ खींचा जाता है तो स्प्रिंग स्टॉपर की वजह से स्प्रिंग अपनी एक्चुअल पोजीशन की जगह दूसरी पोजीशन में जाकर लॉक हो जाता है। और जब स्ट्राइकर को पीछे की तरफ खींचा जाता है तो ये चीज़ इस पोजीशन में चली जाती है कि इसकी वजह से ट्रिगर पर एक दबाव बन जाता है और हमारी स्नाइपर राइफल लोड हो जाती है कुछ इस तरह से। और क्योंकि स्नाइपर राइफल का स्प्रिंग अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब स्ट्राइकर को पीछे की तरफ खींचा गया था तो वो एक अलग पोजीशन में चला गया था, लेकिन जब कोई भी शॉट फायर किया जाता है तो ये स्प्रिंग इतनी ज़्यादा पावर से आगे की तरफ प्रेस होता है कि आगे वाली बुलेट पर इतनी ज़्यादा जोर से जाकर लगता है कि बुलेट 1000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे की तरफ शूट होती है, और इसी मैकेनिज्म पर AWM काम करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।